अर्चना जी, दुनिया में दो मुल्कों की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है. कौन सी? एक तो भारत की, दूसरी चाइना की. और चाइना की तो इतनी ज्यादा है, उनकी आर्मी ओवरफ्लो होकर हमारी कंट्री में गिरती रहती है. आपको याद होगा 80 के दशक में टीवी पे एक स्लोगन आता था, हम दो हमारे दो. लेकिन लोग मानते नहीं थे. लोगों का अपना ही स्लोगन चल रहा था कि जितने होते हैं होने दो. इनको ये रहता था कि 5-6 पैदा करेंगे, एक दो तो ठीक निकल आएंगे. एक बार तो सरकार इस स्लोगन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हो गई थी, आपको याद होगा. तो उस समय अगर कहीं पोस्टर लगा रहता था ना, हम दो हमारे दो, तो उसके सामने से भी वही निकलता था जिसके दो बच्चे होते हैं. और जिसके 6 होते थे ना, वो फिर दो दो को लेके 3 बार में निकलता था. अच्छा, जिनके घरों में पहले 7-8 बच्चे होते थे, बाप को पता भी नहीं रहता था कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है. वो बड़े वाले का याद रखता था 8वीं में. उसके बाद 1-1 साल कम करते जाओ. और बीच में अगर कोई बच्चा फेल हो गया तो बाप का मैथ गड़बड़ा जाता था. तो बच्चे की फिर जब पिटाई होती थी ना, इसलिए नहीं होती थी कि वो फेल हो गया. बाप इसलिए भड़कता था कि मेरा मैथ खराब कर दिया. और माँ बाप पे भड़कती थी कि तेरा मैथ खराब हो गया, अरे अच्छा, और मेरा जो फिगर खराब हो गया उसका कुछ नहीं. अच्छा, उस वक्त हमारे यहाँ पॉपुलेशन इसलिए भी इतनी ज्यादा थी कि लोग अवेयर नहीं थे, और टीवी भी नहीं था कि बंदा कुछ और देख ले. ये तो भला हो हमारे बुजुर्गों का जो खांस खांस के दुल्हन के कमरे में घुस जाते थे. पानी मेरा रहा है इधर, मेरी दवाई तो नहीं रह रही इधर. और जैसे ही बुजुर्ग खांसते खांसते दूल्हा दुल्हन के कमरे में घुसते थे ना, तो दूल्हा जो ऑपरेशन की तैयारी में था वो फिर चादर लेके सो जाता था. तो इस चक्कर में भला हो बुजुर्गों का, अगर उनको खांसी नहीं होती तो हमारी पॉपुलेशन अच्छी खांसी होती. और जिसके लिए माँ बाप बोलते ना कि हमारा ये सबसे छोटा बेटा तो बड़ा ही शर्मीला है, वो शर्मीले का पता तब चलता है जब शादी के बाद उसके घर जाओ ना, उसके 4 बच्चे रेलगाड़ी बना के दौड़ रहे होते हैं. तो फिर जो रिश्तेदार आते कहते अच्छा हुआ ये शर्मीला था, अगर ये रंगीला होता तो रेल के पीछे पेंट्री कार और गार्ड का डिब्बा भी भाग रहा होता. कुछ राज्य सरकारें नया कानून लेके आ रही हैं कि अगर जिसके बच्चे 2 से ज्यादा हैं उसको सरकारी नौकरी नहीं देंगे. सुना है ऐसा? हालांकि इनको ये नहीं पता कि सरकारी नौकरी के चक्कर में बच्चे हो रहे हैं. आप देखो, जो आदमी सरकारी नौकरी लेना चाहता है वो फिर सारी रात जाग के पढ़ता है, फिर जैसे सरकारी नौकरी लगती है उसकी शादी हो जाती है, लेकिन रात जागने की आदत उसकी गई नहीं. अब आप ही बताओ, कोई क्राइम पेट्रोल भी कितना देख लेगा. जिनके बच्चे 2 होते ना, जब बचपन में हम देखते थे तो मौसी बुआ आती थी ना, तो दोनों बच्चों को 100-100 रुपए देके जाती थी. जिसके आधा दर्जन हो जाते ना, फिर वो पैसे नहीं देती, वो 1 दर्जन केले ला के 2-2 बांट देती सब में. हमारे यहाँ तो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करें, लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि रशिया और जापान जैसी कंट्रीज में लोग ही नहीं बच्चे पैदा कर रहे, गवर्नमेंट उनको उत्साहित कर रही कि आप लोग आप बच्चे पैदा करो, आप हमसे पैसे लो. ये स्कीम इंडिया में तो नहीं लागू हो सकती, गवर्नमेंट कर्जे में आ जाएगी. क्योंकि जिसको एंजॉय करने के पैसे मिल रहे वो काम क्यों करेगा. फिर तो लोग घर की जरूरतों के लिए बच्चे पैदा करने शुरू कर देंगे. भाई मैं सोच रहा हूँ ऊपर एक कमरा ना बनवा ले, बीवी कहेगी हाय रब्बा आप भी ना. अब एक बच्चा हुआ, कमरा बनवा लिया, दूसरी बार में बीवी कह रही है कमरा तो बनवा लिया, एसी नहीं लगवाना है क्या. अरे हट. फिर बच्चों को याद भी ऐसे रखेंगे, भाई ये जो मेरा सबसे बड़ा बेटा है ये तो हुआ था ऊपर वाली छत डलवाने के चक्कर में. ये जो तीसरा वाला है ये हमने स्कूटर लेना था तो इसलिए इसका नाम भी हमने चेतक रखा है. 3 बच्चे हो गए, उसके बाद चौथा फिर हो गया. किसी ने पूछा चौथा किस लिए हुआ, भाई स्कूटर लिया है तेल भी तो डलवाना कि नहीं. बाद में किसी के 5वां हो गया, कहते अंकल जी 5वां किस चक्कर में. अब सारे बच्चे जरूरतों के लिए थोड़ी पैदा करने, बीवी से भी प्यार करते हैं हम. जॉइंट फैमिली में तो देखा है मैंने, घर में कोई बच्चा पैदा होता ना तो माँ के हाथ से बाप के हाथ में, फिर दादा दादी चाचा चाची मौसा मौसी भूआ भूपी. बच्चा जब घूम के वापिस आता ना तब तक 6 महीने का हो चुका होता था. ये फायदा था जॉइंट फैमिलीज का. और बच्चे का जब घूमने का दूसरा राउंड शुरू होता था तब तक माँ बाप का भी दूसरा राउंड शुरू हो जाता था. है ना? तो कहने का मतलब ये कि बच्चे कब पैदा होते थे कब पल जाते थे पता नहीं चलता था. आजकल जॉइंट फैमिली जो है न्यूक्लियर फैमिली बन गई है, तो बच्चे को तो फॉरवर्ड करते नहीं है, वो बच्चे की फोटो को फॉरवर्ड करते रहते हैं. आगे रिश्तेदार भी बधाइयां ऐसे देते हैं इमोजी स्टाइल में, किसी ने हार्ट भेज दिया, किसी ने किस्सियां भेज दी. है ना? तो फिर बच्चे जो रिश्तेदारों के चेहरे नहीं याद कर पाते, इमोजी उनको सारे याद हो जाते हैं. फिर उनको बताना पड़ता है बेटा ये हार्ट वाली बुआ.
ये अर्चना जी, ये पहचाना आपने? ये बोतल वाले ताऊ जी, दो बियर ये वाले, और ये एक आंख मारने वाले चाचा जी, नमस्ते करो इनको। और मैं आज फैमिली प्लानिंग की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में फैमिली के ऊपर बड़ी खूबसूरत फिल्म रिलीज हुई है, हम दो हमारे दो। और आज इस फिल्म की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है, तो चलिए उनको बुलाते हैं जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम कृति सनोन एंड मिस्टर राजकुमार राव। आप दोनों बड़े प्यारे लग रहे हो। थैंक यू। और हमने ट्रेलर देखा, बड़ा कमाल का है। थैंक यू। अच्छा, पर आप कभी कभी बोर हो जाते होगे ना, 10 जगह फिल्म की प्रमोशन करने और फिर सीधे सारे स्टेप तो याद। हमको कोई प्लान नहीं था। आई थिंक अभी ऐसा कॉल सेंटर टाइप जॉब होगी, जैसे फोन उठाया तो शुरू हो जाओ। आई एम फीलिंग एक्चुअली हम लोगों ने ये साथ में गाने शूट करने के बाद ही पहली बार किया है। पहली बार साथ में किया है एक्चुअली। और हम दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, याद है ना, याद है ना। मुझे कह भी रहे थे बाकी जगह तो हम ऐसे ही जाना पड़ता है, आपके हम दिल से आते हैं। थैंक यू सो मच। पर कपिल यार, लास्ट टाइम मैंने बड़ा मिस किया तुम्हें। अरे यार हाँ, मेरा रह गया ऐसे। मेरी कोई भी एक फिल्म ऐसी हुई नहीं है जहाँ मैं यहाँ पर नहीं आई हूँ। पर हमने तो नहीं छोड़ा, हमने तो वो रिचुअल बन जाता है ना। हाँ, मेरा वो रिचुअल रह गया लास्ट टाइम। पर हमने मिमी देखी, मेरी मिमी ने भी देखी, मेरी मम्मी ने भी देखी। बड़ी प्यारी कमाल की पिक्चर है। थैंक यू, थैंक यू। हम दो हमारे दो, ये आपने कहीं मेरी लाइफ से इंस्पायर होकर तो नहीं बनाई आपने? आपकी लाइफ से? हाँ, आपकी लाइफ का क्या भरोसा, अगले साल हम दो हमारे तीन हो जाए, फिर हम दो हमारे चार हो जाए। हमारे दो ही पकड़े। जैसे आपकी स्पीड जा रही है, लग नहीं रहा कि हम तो हमारे दो तक रुकेगी। लेकिन हमारे में क्या, हमारे पेरेंट्स हैं तो दो ही अडॉप्ट हो सकते हैं ना, एक माँ एक बाप। तो हम तो हमारे दो, हम पेरेंट्स को अडॉप्ट कर रहे हैं। पर बड़ा अलग सा कॉन्सेप्ट है, मजेदार है कि लोग बच्चे अडॉप्ट करते हैं, माँ बाप अडॉप्ट कर रहे हैं। अच्छा, आजकल तो हर फिल्म का सीक्वल बन रहा है, जैसे दबंग वन, दबंग टू, राज वन, राज टू, राज थ्री। तो जैसे अब हम दो हमारे दो हैं, तो कल को सीक्वल बनेगा तो हम दो हमारे चार, हम दो हमारे छह। देखो कपिल, तुम्हारा कोविड में फर्स्ट वेव सेकंड वेव के साथ एक एक आ गया है। हम सोच रहे थे थर्ड वेव ना आ जाए। आइए आइए, यहाँ पे विराजमान हो जाइए, ये तो हमारे पीछे पड़ गया। कृति, जब आपके पास डायरेक्टर आए ये फिल्म का आइडिया लेके कि आपको मेरे साथ हम दो हमारे दो करना है, तो आपको डाउट नहीं हुआ कि फिल्म कर रहे हैं कि फैमिली बनाने की बात कर रहे हैं? ऐसे नहीं बोला कि मेरे साथ हम दो हमारे दो करना है। और डायरेक्टर आए नहीं थे, प्रोड्यूसर आए थे, वो भाई की तरह, तो नहीं, ऐसा डाउट नहीं हुआ। और हाउ इज राहुल? Rahul's doing great. Rahul? Yeah. Rahul kaun? Rahul is always missed when I'm on this show. Aapko nahi pata inki zindagi mein Rahul hai? Mere Rahul? Haan. Rahul? My one and only Rahul. Oh. Acha, uncle ka naam Rahul hai? Haan. Bada hi cool naam hai yaar, bahut hi modern naam hai na. Hamare aise yaar doston ke naam hote hain. Raja uska kya? Nahi, matlab main to teenager papa rakhe hue hain na, matlab Rahul. Rahul to aise hamare doston ka naam hota hai na. Haan, actually. Rahul, Vishal, Deepak. Hamare baap ka naam hai Dinanath, Duni Chand. Ye Rahul, wow. Wow. अच्छा, लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार है, हम दो हमारे दो, जैसे हम लोग आपके आने से पहले भी यही डिस्कस कर रहे थे कि हम दो हमारे दो जो एक स्लोगन आया था, हमारी भारत सरकार ने शुरू किया था, लोगों को में अवेयरनेस लेके आए। तो ऐसे स्लोगन जो होते हैं ना, कोई भी चीज का अगर प्रचार करना हो तो बड़े काम आते हैं। हमने आज अलग अलग तरीके के स्लोगन ढूंढ के निकाले हैं, हम आपको दिखाना चाहते हैं। प्लीज, हम गुंडों से नहीं डरते, हम शादीशुदा हैं। शादीशुदा, ये कोई बेचारा होगा कोई बीवी के प्रकोप का मारा जिसने ये लिखा है? कहाँ ढूंढा? और भी है आगे। बाकायदा तुम्हारे घर पे तो नहीं है? नहीं नहीं, कृपया गाड़ी चलाते समय शराब ना पिए, पैग छलक सकता है। अरे पर क्रिएटिव चीजें हैं, देखो आप। फिकर पैग की है यहाँ पर भी। देखो और भी है, कृपया यहाँ पर ज्ञान ना बांटे, यहाँ पर सभी ज्ञानी है। और भी है, भूत प्रेत और मासूम बीवी मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये लिखा भी परमीन सर के ट्रक के पीछे ही है। और आगे देखो, बंदे को समझाने का कितना अच्छा तरीका है दुकानदार का, कस्टमर को, कि ग्राहक राजा होता है, राजा कभी मोल भाव नहीं करता है, राजा कभी उधार नहीं मांगता, आप भी ना मांगे। प्यार से बेइज्जती भी कर रहा है सार्कास्टिकली। कृपया उधार ना मांगे, हमने खुद लोन ले रखा है। हमने खुद लोन ले रखा है। और कृपया घंटी बजा के इंतजार करें, लगातार घंटी ना बजाएं, आने वाला चलकर आएगा, उड़कर नहीं। ये क्या क्रिएटिविटी लोग दिखाते हैं ना।
और भी हैं? यार ये तो कमाल। दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे। ये इंग्लिश ही सिखा रहे हैं, डाका मारना सिखाएंगे ये। स्पेशली रात को कौन इंग्लिश बोलता है, दिन दहाड़े भी सीखे। और ये नीचे सुलभ शौचालय है, ऊपर लिखा है कब तक रोकोगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले मेड इन चाइना में राजकुमार जो हैं वैवाहिक जीवन सुखमय बनाने के लिए सूप वाला जुगाड़ बता रहे थे। इस फिल्म में अपना वैवाहिक जीवन शुरू करने के लिए माँ बाप का जुगाड़ कर रहे हैं। तो ये आपको ऐसे ऑफर संयोग से मिलते हैं कि वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याओं पर आपका चेहरा बड़ा सूट करता है। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है, तो लोग चाहते हैं कि मैं एक्सपीरियंस हो जाऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि अभी आपने कहा मासूम बीवी होना, ये सिर्फ मन का वहम है। तो आई थिंक लोग मुझे ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं कि भैया कल को होगी, तो अभी से देख ले क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। पर ये मैरिज मटेरियल लगता है ना टोटल? मैरिज मटेरियल क्यों, जेब में सिंदूर लेके घूमते हैं? राजकुमार कमाल के एक्टर, कमाल के ह्यूमन बीइंग है, नो डाउट। वही तो यही बताएंगे किसने रुमाल रखा आप पे। कोई किसी रुमाल रुमाल जिसने रखा है वो रुमाल कैरी नहीं करती। अच्छा रुमाल नहीं, वो चद्दर है थोड़ी। हाँ। अभी तो ऐसे रजाई रख दी है, मैं देख भी नहीं पाता बाहर। अच्छा मैडोक के साथ राजकुमार ने बहुत सारी फिल्में करी, जैसे स्त्री, रूही, मेड इन चाइना, अब हम दो हमारे दो। तो उनको कोई और नहीं मिल रहा है कि आपको कोई और नहीं मिल रहा है? नहीं, उनको कृति मिली हुई है, कृति ने भी बहुत फिल्में की है मैडोक के साथ। और एक होता है कई बार आपका यू नो एक कनेक्ट बैठ जाता है किसी के साथ। तो शुरुआत स्त्री से हुई थी जिसमें राज डीके थे और दीनू थे, तो फिर वहाँ से एक एक अच्छी दोस्ती हो गई, अच्छा रिलेशनशिप बन गया। तो फिर हमने साथ में आ गए, ऑफ कोर्स मेड इन चाइना की, रूही की, फिर अभी ये है, फिर होपफुली स्त्री टू भी जल्दी करेंगे हम लोग। क्या बात। आप कृति की फिल्मों में भी देखना, हर फिल्म में कुछ ना कुछ छुपाया होता है। लुका छिपी में अपना लिविंग रिलेशनशिप जो है वो छुपा रही है, मिमी में बच्चे के बारे में छुपा रही है, हम दो हमारे दो में राजकुमार के माँ बाप को छुपा रही है। तो रियल लाइफ में भी जब भी किसी लड़के को कृति के साथ प्यार हो गया ना, तो उसके दोस्त बोलेंगे वाह भाई बड़ा लंबा हाथ मारा है। अच्छा राजकुमार की आप काफी सारी फिल्में अगर देखें, जैसे डॉली की डोली, क्वीन, हमारी अधूरी कहानी, बहन होगी तेरी, बरेली की बर्फी, छलांग, शादी में जरूर आना, स्त्री, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, इसमें शादी और लड़की के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ यार ये मैंने करेक्ट सही बात है ये। और मैं यही पूछना, रियल लाइफ में तो नहीं स्ट्रगल करनी पड़ी होगी? ज्यादा नहीं, थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ी थी। हम लोग साथ में कहीं गए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि मैं, क्योंकि उन्होंने मेरी पहली फिल्म देखी थी LSD, लव सेक्स और धोखा, तो उनको लगा था ये ऐसा ही नीच आदमी है। जैसे आपको अगर कभी बाहर जाओ तो एक परसेप्शन है ना कि लोग लगता है कपिल तो ना बहुत हंसाता ही रहता होगा 24 घंटे। ऐसा तो नहीं, आप बाहर जाके अपनी आम जिंदगी भी जीते हो ना, कि थोड़ा हंसा देना यार, 2 मिनट हंसा दे। आप वेरी सीरियस पर्सन भी ऐसे कॉमेडी फेस के साथ बोल रहे हैं। आई मीन या ऐसा ही लड़का होगा जैसा फिल्म में इसने काम किया, तो मुझसे बात नहीं कर रही थी। पर फिर बातचीत शुरू हुई, हाय हेलो हुआ, फिर मुझे लगा ये तो यार करेक्ट है, क्योंकि मैंने उनकी एक ऐड देखी थी बहुत पहले। अच्छा। और तब मुझे लगा था ऐड को देखकर ऐसा एक थॉट आया था कि यार कितनी प्यारी लड़की, इससे तो शादी करनी चाहिए। हाँ ये थॉट आया था। और 2-3 महीने बाद जब वो मिली तो उन्होंने बताया मैं उस ऐड में होता, लाइक एकदम वो एकदम वायलेंट वायलेंस सब बच गया था। तो फिर मैंने थोड़ा स्ट्रगल किया, ऑफकोर्स अपने को देखी चीज आती थी एक्टिंग, और वो भी एक्टर है, तो मैंने फिर थोड़ा सा यहाँ ज्ञान ना बांटे सब ज्ञानी है, लेकिन मैं तब भी मैंने बहुत ज्ञान बांटा। पर अच्छा एक दूसरे की ऐड और एक दूसरे की फिल्में देख रहे हो, दोनों मिलके घर भी देख रहे हो कोई फिर? नहीं घर भी देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। नहीं बंदा जब खुद शादी कर लेता ना उसको होता सारे लड़के कर ले अब। कृति का फिल्म में एक डायलॉग है कि मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसकी स्वीट सी फैमिली हो और एक प्यारा सा डॉगी। आपको किसने बताया नहीं शादी के बाद पति भी उतना ही वफादार होता है? सीरियसली That's Rajkummar Rao in the house. Yeah. That's Kriti Sanon in the house. Yeah. That's Archana in the house. Yeah. That's enough, bro. I'll be okay. Oh my God. मैं आप लोगों को देख के कितना खुश है मैं बता नहीं सकते हैं। सच में मैं बता रही है सर, मैं आपको व्हाइट टाइगर आपका फिल्म देखे थे। Oh yeah, उसके Hollywood. उसके अंदर आप मेरा एक्सेंट कॉपी किए हैं। Oh yeah, I tried. मैं देखे। I tried.
और आपको पता है कृति जी जी, मैं आज ये कपड़े क्यों पहन के आए हैं? क्यों? क्योंकि आज मैं आपसे अपने मन की बात करने वाले है। वो भी पहने क्योंकि उनका दिल भी आपके लिए डक डक करते हैं। अरे भाई, मैं आपको सच बताए, मैं इतना हर्षो उल्लास के साथ आए हैं, इतना खुश आए हैं। हर्षो उल्लास? I mean, hey. It's fab. Yeah, thank you. I mean, इतना मेरे को आते हैं। तुम इजी इजी बोला करो, रशिया के संजय दत्त, हमें समझ में नहीं आता तुम। ये कोल्ड ड्रिंक में स्ट्रॉ डालते हैं, ऊपर क्यों लगाया है तुमने? मेरा स्टाइल है ब्रो, इट्स स्वैग। स्वैग? Oh. ये एंटीना बढ़ता जा रहा है। Yeah, man, I'm a growing boy. You're a growing boy. तो एनीवेज मैं आपको बता रहे, मैं इतने बड़े फैन है, मेरा दो कजिन्स है, वो दोनों भी आपके बहुत बड़े फैन है, आपसे मिलना चाहते हैं, इफ यू डोंट माइंड। क्या मैं उनको इधर बुला सकते हैं? यस यस, डोंट माइंड। या या, तो ए आ जाओ कजिन्स हैं मेरे दोनों, इधर आ। ए लुक एट दैट, दैट्स कृति सैनन, राजकुमार राव जी। हेलो, ये मेरे कजिन्स हैं, ये छोटे हैं, ये बड़े हैं। नहीं सर, मैं छोटा हूँ और मैं बड़ा हूँ। ओह सॉरी सॉरी, क्या है कि हाइट को देख के मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो हाइट में छोटे हैं, ये उम्र में बड़े हैं, ये जो हाइट में बड़े हैं, ये उम्र में छोटे हैं। तो थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं। तो इतना कंफ्यूजिंग क्या है? जो हाइट में बड़ा है वो छोटा है और जो हाइट में छोटा है वो बड़ा है, इसमें इतना से तो है। नहीं नहीं, कंफ्यूजन इधर खत्म नहीं होते हैं। ये जो हाइट में छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, इसका नाम छोटे है। और ये जो हाइट में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, इसका नाम बड़े हैं। अच्छा। लेकिन कंफ्यूजन इधर भी खत्म नहीं होते हैं। फिर? ये हाँ। जो हाइट में छोटे हैं, हाँ। उम्र में बड़े हैं, हाँ। नाम जिसका छोटे है, ये मेरे छोटे पापा के बड़े बेटे हैं। और ये जो हाइट में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, नाम जिनका बड़े, ये मेरे बड़े पापा के छोटे बेटे हैं। कंफ्यूजन इधर भी खत्म नहीं होते हैं। मुझे चक्कर आ रहे हैं। ये जो हाइट में छोटे हैं, उम्र में बड़े हैं, नाम जिनका छोटे है, जो मेरे छोटे पापा के बड़े बेटे, ये एक बहुत ही छोटे शहर में बड़े घर में रहते हैं। और ये जो हाइट में बड़े हैं, उम्र में छोटे हैं, नाम जिनका बड़े है, जो मेरे बड़े पापा के छोटे बेटे, ये एक बहुत बड़े शहर में छोटे घर में रहते हैं। लेकिन कंफ्यूजन अभी खत्म नहीं हुए है। ये जो हाइट में छोटे, उम्र में बड़े, नाम जिनका छोटे, जो मेरे छोटे पापा के बड़े बेटे, जो छोटे शहर में बड़े घर, छोटे शहर में बड़े घर में रहते हैं, आप सोचो इनका प्रोफेशन क्या है, काम क्या करते हैं? क्या करते? ये बड़े बेचते हैं। और ये क्या करते हैं? ये छोटे बेचते हैं। छोटे क्या होते हैं? छोटे बड़े होता है ब्रो। क्या बोल रहे हैं ब्रो? बड़े बेचते हैं ना, तो ये छोटे बड़े बेचते हैं। नहीं 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 ब्रो, इत्तफाक का बात देख के ये भी बड़े बेचते हैं। अच्छा। लेकिन फर्क खाली इतना है कि छोटे के जो बड़े होते हैं वो बड़े छोटे होते हैं। और बड़े के जो बड़े होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं। अच्छा। तो बड़े के यहाँ पे बड़े खाने के लिए बड़े बड़े लोग आते हैं, और छोटे के यहाँ पे छोटे वाले बड़े खाने के लिए छोटे छोटे लोग आते हैं, कभी कभी बड़े बड़े भी आते हैं। वाकई में बहुत कंफ्यूजिंग था, बंदे का करेक्टर छूट गया समझाते समझाते। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। अभी भाई बोलते रहे कि तुम भी बोलो। नहीं भैया, हम कुछ बोल देंगे तो छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी ना। ये बड़े छोटे तो चलते रहेंगे, लेकिन ये दोनों प्यार से आपके लिए कुछ मिठाई लेके आए हैं, वो खिलाओ इनको मिठाई। ओह माय गॉड, ये देखिए, इत्तफाक देखिए, जो बड़े आपके लिए लड्डू लाए हैं वो छोटे हैं, जो छोटे आपके लिए लड्डू लाए हैं बड़े हैं। ये लड्डू का भी एक कहानी है, मैं आपको सुनाते हैं। ओह गुड गॉड। एक बार, नहीं भाई नहीं नहीं, हाँ चल निकल, बड़ा हो गया तेरा, बड़ा छोटा, तुम लोग जाओ 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 जाओ। थैंक यू। क्यों गोरिया? I'm sorry, you know, अभी होते हैं, लेकिन मैं सच में आप लोगों के बहुत 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 बड़े फैन है। वैसे आप लोग इधर आए हैं, मेरा पूछने तो बनते हैं, बताइए आप लोग क्या लेंगे? चाय, कॉफी, माँ बाप? ये क्या फालतू बात हुई? ये घर बसाने वाला बात हुआ ब्रो, मैं फिल्म का ट्रेलर देखे है, ये लोग फिल्म में माँ बाप को ढूंढ रहे हैं। Yes. हाँ, yeah. जैसे आप अपनी फिल्म में माँ बाप ढूंढ रहे ना, जब ये पैदा हुआ पूरा शहर इनके माँ बाप को ढूंढ रहा था। कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये बच्चा पैदा करने की? ब्रो आप जब छोटे थे तो आपको क्या बड़े होके हथौड़ा बनना चाहते थे आप?
नहीं क्यों? मेरा हर बात के बीच में तो फिर आपको ठोकना क्यों है? ठोकना नहीं होता है, टोकना होता है. नहीं नहीं, टोकना तो वो होता है जो कुत्ते करते हैं, भाऊ भाऊ. वो भौंकना होता है. तो भौंकना होता है? हाँ. नहीं 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 नहीं, भौंकना तो वो होता है ना, वो क्या करते हैं, वो जो हॉरर पिक्चर में ऐसा डरते हैं. वो चौंकना होता है. वो चौंकना होता है. नहीं, चौंकना तो वो होता है यार, जब आप ना बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं और हाथ में पुलिस वाला ऐसा ऐसा करते हैं. वो रोकना होता है. ब्रो, अगर रोकना है तो कृति सैनन को रोको. क्यों? ये दिन ब दिन बहुत ज्यादा खुशबूरत होते जा रहे हैं. खुशबूरत? बहुत ज्यादा खुशबूरत हो रही है. मैं बता रहे हैं, मैं आपको गारंटी दे सकते हैं, आपके पैदा होने से पहले आपके मम्मी ने मधुबाला जी का फोटो देखे होंगे. हाँ, बिल्कुल सही. तभी जाके ऐसे ब्यूटी हो सकते हैं. राजकुमार जी, मैं आपसे कशमा चाहेंगे. क्या चाहेंगे? कशमा. क्षमा चाहते हैं, आप मुझे बुलाए, मैं आ ना पा सके. उन्होंने तुझे कब बुलाया? आ ना पा सके. नहीं, मैं एक बस स्टॉप पे खड़े थे उस दिन, उसके सामने एक बड़ा होर्डिंग के ऊपर ये लिख के मुझे इनवाइट किए थे कि शादी में जरूर आना. पर मैं वो शादी में आ ना पा सके. अच्छा, तू आया क्यों इधर आज? मैं तो इनके साथ वो करना चाहते थे यार, वो क्या बोलते हैं यार, वो हिटलर दो देशों के बीच में क्या करा दिए थे? लड़ाई. वॉर. वॉर. और ये भैंस लोग किस में नहाते हैं? तालाब. तालाब. तो मैं वार्तालाप करना चाहते हैं इनसे. हिस्ट्री इसने पूरी पढ़ रखी है. वार्तालाप तेरे से याद नहीं होता है? हिस्ट्री मेरा एक लेडीज टीचर थे ना, इसलिए थोड़ा याद हो गया फास्ट. ओह, तो मैं राजकुमार जी, मैं आपसे अपने शादी के बात करने आए हैं. अपनी शादी के बाद? हाँ. आपको इनसे शादी करनी है? क्यों? नहीं नहीं, देखियो, मैं कृति जी से डायरेक्ट बात करेंगे तो वो मना कर देंगे ना. अच्छा अच्छा. अच्छा, मेरे तो मैं शादी का बात आपसे करेंगे, आप मेरे बिहाफ पे थोड़ा शादी का बात. वो तेरी शादी की बात क्यों करेंगे? हाँ, तो वो खुद की शादी की बात क्यों करेंगे? अरे, वो शादी की बात ही क्यों करेंगे? अरे, तुम बुरे को क्या पता ब्रो. वो अपने साथ में लड़की लेके आए, मुझे लगा लड़का देखने के लिए आए होगे. और मैं देखा है कृति जी, आपका बहुत सारा फिल्म में आपको शादी का बहुत जल्दी रहता है. लुक्का छिपी में भी आपको जल्दी था, बरेली की बर्फी में भी आपको जल्दी था, हीरोपंती में आपको जल्दी था. तो हो सकता है कि आप शादी करना चाह रहे हो. मैं सोचा आप आए हैं तो मैं एक अच्छे से लड़का आपको दिखा देता हूँ. अच्छा, दिखाओ. दिखाओ. राजकुमार के होते हुए वो तुम्हें क्यों देखेंगी? नहीं नहीं, राजकुमार तो पहले से किसी और को प्रेम पत्र लिखा हुआ है. You know, bro. तो मैं कृति जी शादी के लिए हाँ समझू. ओए, उनको नहीं करनी कोई शादी, चलो निकलो यहाँ से. आप एक बार लास्ट बार मेरे को देखना चाहेंगे? देखो क्या है ना, मेरे लिए ये क्राइटेरिया थोड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट द गाय नीड्स टू बी लिटिल टॉलर. तो ये थोड़ा और so, बढ़ा लो ना. So, थोड़ा और ये बढ़ाना पड़ेगा, अभी पहुंचा नहीं. नहीं तो इनको मेल्ट करवा लेना. टांगे काट दो मेरे ना. एक बार में कहता देख लो, एक बार में तू देख सकता है कोई तुझे? क्या बात हुआ ब्रो, लेकिन इतना सारा है, आप देखो ना, टॉम क्रूज, निकोल किडमैन, हाइट कुछ नहीं है. ओके ओके ओके, फाइन फाइन, आई गेट इट आई गेट इट आई गेट इट. तो एक काम करते हैं, आप इधर से जब भी जाएंगे ना जी, तो जाते जाते आपकी सिस्टर है नुपुर सेनन. हाँ. Yeah. उनके लिए एक गिफ्ट है हमारे पास इधर पीछे, वो लेके जाइएगा. क्या? Yeah. एक जीजा. He is not letting you go. मैं इधर पीछे अपने आप को थोड़ा गिफ्ट रैप करके खड़े हैं. जाते इसको जाते. थोड़ा सा ऐसे खींचने की कोशिश. मैं अभी करेंगे, मैं जाके पीछे यही मेहनत करने वाले हैं. मैं अपना हाइट बढ़ा के रहेंगे. मैं अभी चलते हैं. All right, I'll see you, but I'm waiting. Okay, मैं इधर ही. Yeah, yeah, मैं मिलेगा. All right. अच्छा, आप सब सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, इन्फॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स. आपके पास टाइम तो होता नहीं कमेंट्स पढ़ने का, तो हमारी पूरी एक टीम है. टीम क्या? अर्चना जी. तो ये पढ़ती हैं सारे कमेंट्स. यस प्लीज. कृति ने कहीं फोटो डाली है,
It's not yours, no, it's mine. It is ours. So let's protect Happy World Environment Day. Wow. Nice. पहली बार कृति से भी लंबा को देखा मैंने. जिराफ शूटिंग पे आया है या आप जंगल में गई हो? अच्छा नीचे किसने लिखा? वाह मैडम इसकी लंबाई अच्छी है. ये आपके साथ हीरो सही रहेगा. आगे दिखाओ. जिराफों के साथ खेलती हो इसलिए इतनी लंबी हो. और दिखाइए. ओह लो जी प्रैक्टिसिंग माय सिंगिंग पर एक दिन बाथरूम के बाहर भी गाऊंगा. आज गाली से अनसुना कर दिया. क्या? इतना महंगा बाथरूम बनाया है दरवाजे पे कुंडी नहीं है जो गाना गाना पड़ रहा है. ये है एक्टर. नल खोलते हुए पकड़े गए तो गाना गाने लगे. और दिखाइए. मल्टी टैलेंटेड एक्टर प्लम्बर का काम भी करते हैं. बस फाइव स्टार होटल क्या मिल जाए ये सब हरकते ही सूझती हैं आम आदमी को. That's true. सच्चाई है. लो जी लाइफ इज 10% ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू. ओहो इतनी इंग्लिश. आगे कमेंट्स दिखाइए रहा. Kapil has conveniently skipped my caption. Yeah, and the caption is the beauty of it. तो हमें नहीं ना समझ आएगी. Beauty तो ठीक है. हमें तो यही समझ आता है. मैडम घर से कुर्सी लेके कौन भागता है. बेकार में गाड़ी का वेट कर रही हो. इतनी लंबी हो. चार कदम चलोगी तो 2 किलोमीटर. और मैडम कहाँ जंगल में बैठ गई. चीटी चढ़ जाएंगी. रिप्लाई कहाँ तक चढ़ेंगी. बहुत लंबी है. आगे दिखा. ओ लाइट्स कैमरा एक्शन हैशटैग लूडो. इतने कैप्शन ठीक है छोटे छोटे. दिखाइए. टेंस हूँ यार. बिजली तो दिख रही है. मीटर कहाँ लगा हुआ है भाई साहब. कपड़े पहने हैं अमिताभ बच्चन के. खड़े हो मिथुन दा की तरह और लग चंकी पांडे रहे हो. वाकई ही में मल्टी टैलेंटेड हो. कुछ भी कह बंदे का फ्यूचर तो ब्राइट हो गया. हाँ. और ये आदमी अंधेरे में सिक्का ढूंढ सकता है. ध्यान से भैया अगर गलत जगह करंट लग गया तो हम दो हमारे दो नहीं. ये सबसे फनी था. जस्ट मिसिंग माई न्यू फ्रेंड. वाह पढ़ लिया तूने. इतना सही था ना इसलिए उसे अटेम्प्ट किया. हाँ छोटे छोटे कैप्शन ठीक है. प्लीज मुझे मेरे घर तक छोड़ दो कृति. इसी बहाने मेरी माँ भी अपनी बहू को देख लेगी. आप भी पैर से ही बाइक रोकती हो क्या. मैं अब शीतल को मैसेज नहीं करूंगा कृति. बस तुम वापस घर आ जाओ. और दिखाइए. वाओ न्यू टर्न टू गेट ए न्यू लुक फॉर ए न्यू कैरेक्टर. वाओ भाई क्या बात है यार. दिखाइए कमेंट्स. तुम वैसे ही अच्छे एक्टर हो. ये सब करने की जरूरत नहीं है. ऐसी फोटोज डालोगे तो स्त्री आज ही आ जाएगी. हाँ जी और राजधानी एक्सप्रेस आफ्टर एजेस. टुक मी बैक टू चाइल्डहुड ऑन माय वे बैक टू ग्वालियर सम लुक का छुपी इन द ट्रेन. जी दिखाइए इसके कमेंट्स. हमें तो भीड़ भाड़ ही मिलती है. अकेली बैठी हुई है. कंबल मत लेके जाना उस पर रेलवे लिखा रहता है. जूते पंखे के ऊपर रख देना चोरी हो जाएंगे. ये तो कमाल की ऑब्जर्वेशन होता है. एक्सपीरियंस वाले. ट्रेन में आपके फोटो वाला पेपर सोप मिलता है. आपको उसका कितना परसेंट मिलता है. क्या मतलब फोटो वाला पेपर सोप मिलता है. व्हाट दे कीप यूजिंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस फोटोग्राफ्स ना ऑन. अरे पर पैसे नहीं दिए. वो मिलते भी नहीं कभी. आगे दिखाइए. पर्दा लगा लो सामने वाली ट्रेन का टीसी कूद जाएगा. नॉन सेंसिटिव गर्ल. कितनी ही क्यूट बन लो टिकट तो लेनी ही पड़ेगी. वाओ दिस वन इज गुड. अजी आपकी फिल्म दिवाली पे रिलीज हो रही है. हाँ जी. तो दिवाली पे नॉर्मली घरों की सफाइयां वाइयां करनी पड़ती है ना.
आपने कभी बचपन में करी है मुंह पे कपड़ा बांध के जाले वाले उतारे आपने? मुंह पे कपड़ा बांध के? मुंह पे कपड़ा बांध के गांव में? हां, कपड़ा भी नहीं बांधते तब। हां हां, एक्चुअली तब तो ऐसे थानी की मिट्टी गुजरा, तो मिट्टी में खेलते थे सारा दिन, मिट्टी में रहते थे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। पर हां, बहुत किए, मतलब घर की एक एक कोने में सामान निकाल के, झाड़ू से डस्टिंग, जाला निकालना, सब किया। जैसे हम छोटे थे ना, हमारी मम्मी हमें बेड के नीचे घुसाना, पेटियों के नीचे। पर मैंने, हाँ हाँ, वो होती है ना बड़ी पेटी, संदूक, संदूक बड़ा वाला लोहे का, जिसके ऊपर छोटे छोटे संदूक रखते हैं। तो वो पर मैंने देखा, जो बच्चे मिट्टी में खेलते रहे हैं ना, उनको ना ये छोटे छोटे खांसी जुकाम नहीं होते जल्दी, इनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है। आपने भी घर का काम किया है कि स्माइल दे के गली के लड़कों से करवा लेती थी सारा काम? मैंने बहुत काम किया है, इनफैक्ट घर पे ऐसे बांट लेते थे, कोई एक झाड़ू कर रहा है, एक पोछा मार रहा है, एक डस्टिंग कर रहा है, फिर दिया और कैंडल्स और फ्लावर्स वगैरह सजाने का मेरा और मेरी बहन का काम होता था। सो दिवाली वाज ऑलवेज लाइक, पर ये सब दिल्ली में ज्यादा होता था। लेकिन आप जब आप दोनों एक्टर्स हो, तो आप दिवाली का कौन सा ट्रेडिशन है जो अभी तक फॉलो करते हो? रंगोली। अच्छा, रंगोली। या वो रंगोली ऑब्वियसली कभी फूलों से, कभी रंग से, जो उस टाइम पर मिल जाए, बट दैट इज समथिंग जो मैं और मेरी बहन एंट्रेंस पे हम करते ही हैं, खुद बनाते हैं। हाँ हाँ, वो हमारे घर में ऐसा होता था, और मम्मी पीछे पड़ी रहती थी, नहाने जाओ नहाने जाओ, बट द पॉइंट वाज कि मतलब बना के ही जाएंगे ना, तो वो शाम को खत्म होता था, तो हम एक्चुअली शाम को नहाने जाते थे। एंड यू राजकुमार, व्हाट डिड यू डू? मतलब हाँ, ऑफ कोर्स थोड़ी सी डेकोरेशन करना, फूल लगाना पूरे घर में, दरवाजों पे, और रंगोली बनाना, और पूजा की तैयारी जो है वो। और मैं वैसे भी बहुत सफाई कॉन्शियस हूँ, तो मैं तो वैसे भी दिवाली हो चाहे ना हो, मेरे को जरा सी भी मिट्टी है तो मेरा एक वो हल्का सा एक OCD है कि मुझे साफ करना है तभी की तभी। दूसरे घर का नहीं, अपने घर का। पर मैंने देखा बड़े शहरों में, जैसे अभी दशहरा निकल के गया, तो पता नहीं चलता। मतलब जैसे हम लोग अमृतसर में रहते थे ना, तो पूरे बाजार सजे होते थे, और मिठाइयों की दुकान जो होती ना, वो फिर सड़क पे निकल आते हैं, बढ़ा लेते थे आगे तक, आगे तक, और ऐसे 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 पूरा करेक्ट स्लाइड बना के, और बाजार घूमते रहना हमने। तो हम तो ना, जब रावण पूरा जल के ठंडा हो गया ना, लकड़ी लेके आते अगले दिन। हाँ, अगले दिन सुबह उठ के जाना, बम मिल जाते थे हमें, ये बम बचे होंगे, बच जाते थे ना कहीं। हाँ? वो बड़े धमाके बहुत बम निकलते थे। आपने कभी ऐसे किया जैसे पटाखे लिए और दिवाली वाले दिन नहीं चलाए, अगले दिन चलाएंगे जब सबके खत्म हो जाएंगे? ये सिर्फ पटाखों में नहीं, हर चीज में। जब मिठाई मिलती थी, अगर मुझे, मेरे से 3 रसगुल्ले आए हैं, भाई के से 3, सबके, बहन के से 3, तो मैं 2 खाता था कि एक जब इनका खत्म हो जाएगा फिर इनको चिढ़ा के खाऊंगा। तो मैं एक बात में निकालता था कि ये देखो क्या है। बचपन बहुत सही था। सीरियसली, वो जो मिठाई वाली बात आपने कही ना, मेरा भाई भी ऐसा करता था। मेरे पापा ने मूंगफली लानी या कुछ भी लाना, तो ये अपनी तेज तेज खा लेता था, ये बचाता नहीं था, पर अपनी खा के बोलता था, हुन 80 खाइए। सामने बैठा हुआ देखो, ज्यादा खा के ना, 80 दोबे खाइए। अभी इसने पेट खींच लिया, 4 सेकंड लगातार कैमरा रखो, बाहर आएगा। बस बस पहुंच गई हूँ। हेलो हेलो जी, पैरी पहना कर दे बच्चे। हेलो बच्चे, भाई नहीं पुआ पपी कर। हाँ बस पहुंच गए। बस बस, हाँ चलो हो गया, काम रखती। हाँ बस बस, बच्चे का शो है, जब मर्जी एंट्री मार लो, कुछ नहीं कहता। हाँ चलो जी। हाँ क्या फोन पे बात हो रही, बोलिए हंसो थोड़ा। हाँ जी हाँ जी, अर्चना जी का हंसा, बस बस रखती हूँ, बाय। बुआ आते पप्पियां पप्पियां ले ली, पैरी पहना करवा लिया, जानती तुमको? मैं अपने राजू को नहीं जानती। राजू, हाय राजू, राजू को पूछ जरा कि जब दिल्ली शूटिंग पे आता है तो किसके घर रुकता है? किसके घर रुकता है पूछ, किसके घर रुकता है मुझे क्या पता। है देखा राजू, बुआ का सेंस ऑफ ह्यूमर। और कृति बुद्ध कैसी है? मम्मा को आए कहना, तुम्हारी मम्मी और मैं कॉलेज में एक साथ गिद्धा डालते थे। आपने कभी बताया नहीं आपको गिद्धा आता है? मुझे तो डकार भी आता, वो भी नहीं कभी बताया मैंने। है लेकिन ये ले बता दिया आता है। लेकिन राजू बुद्ध, तेरे से बहुत नाराज हूँ मैं। क्या हो गया बाजी? मैंने देखा फिल्म में नकली माँ बाप ढूंढ रहे हो, पुआ को याद नहीं किया। पुआ का दिल्ली में यही काम है बच्चे, ये देख, नानी बनने के लिए 1,000 रुपया, हाँ? दोस्त बनने के लिए 1,150, ताई बनने के लिए 2,000, चाची 3,000, सास 3,500, और नकली बीवी बनने के लिए 40,000। बीवी बनने का इतना ज्यादा क्यों? लैपुत, अगर सामने वाला 2 पैग मार के भूल गया कि नकली बीवी हूँ।
तो पुआ का तो हो गया ना बिन फेरे हम तेरे। कृति बुत नाइस ड्रेस है, नाइस गाउन। किसको मेरी बच्ची टैग करेगी आज? क्या मतलब? मतलब तेरे को नहीं पता, जो हम बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, हम जिस दुकान से ये गाउन चप्पल काटे वाटे लेते हैं ना, उसको टैग करना पड़ता है। सच्ची कहूं मैं, लेकिन कृति बुत जी, राज जी कैसे है? राज जी कौन? कौन राज जी? प्रीति के पापा। और कौन? राहुल। राहुल होंगे दुनिया के लिए। मेरे लिए राज है और मैं उनकी सिमरन। और आपने मेरी मम्मा की क्या गिंदा मारा है? हाँ, मतलब मम्मी को फ्रेंड बना के उनको फ्रेंड बनाया था ना। मैं और राज जी की लव स्टोरी भी एकदम DDLJ के राज और सिमरन की तरह थी। ओए होए, बस वो सिमरन भज के बेटा ट्रेन पे चढ़ गई, मेरे से भागा नहीं गया। सच्ची कह रही हूँ, इसका फायदा उठा के राज भाग गया। तो आप ट्रेन को मुक्का मार के गिरा देते साइड में? पहले बताए नहीं, मेरा इतना मैं पुच्ची कर लेनी। को ऐसे ऐसे आइडिया आया है, मजा आ जाता है। ये बातें अगर आपके पति सुन ले तो क्या सोचेंगे वो? आपके पति? वाह, आज बड़े गेस्ट आए तो आपके पति तेरा फूफा कहाँ गया? वो कहता था फूफा है। फूफा क्या सोचेगा? फूफा सुन ले, अब नहीं मैं डरती फूफा फाफा से, छोड़ दिया इसका फूफा। क्यों, क्या हुआ? वो तो एक कमी हो तो बताऊ ना, ना वो दारू पीता, ना जुआ खेलता, ना उसकी लड़कियां फ्रेंड है, ना कहीं उसका चक्कर चल रहा है। तो ये क्या है, वो ये कमियां थोड़ी है, ये तो अच्छी बात है। ओहो बेटा, जिसको ये सब करना उसके लिए तो कमियां ही है ना सब। मेरे को नहीं अच्छी लगती ऐसी लाइफ। राजू पुत्र, मेरा भी दिल करता है मैं कार में आधा शीशे में मुंह बाहर निकालू, लड़कों का झुंड जा रहा हो और मैं चिल्लाऊ। मेरा भी दिल करता है मैं रात को लेट आऊं, वो मेरा फोन पकड़े, मेरे मैसेज देख ले, मैं पकड़ी जाऊं, हमारा क्लेश हो, वो मुझे चिल्लाए, मैं सेमी सेमी उसका मुंह तोड़ दूं। लेकिन ये सब होता ही नहीं है, लाइफ में मजा ही नहीं है। तो फिर तो फूफा शरीफ हुआ ना? फिर फूफा शरीफ हुआ। सुन फिर फूफा की कल की बात बुत। क्या? जो उसने किया काम वाली। क्या काम वाली? काम वाली पोचा मार रही थी। हाँ। ये बंदा दबे पैर आया ऐसे ऐसे करके, इसने पीछे से जाके राजू पंखा चला दिया। तो इसमें क्या गलत है? हाँ। अच्छा, मैं जब पोछा मारती हूँ तो मुझे पीछे से आके पकड़ लेता है, हैं? और मेरी बारी पंखा भी नहीं चलाता अर्चना जी, ये क्या बात हुई? क्यों, मेहमानों के सामने गप्पे मार रही है? तो बता पुत, तेरा शो है, गप्पों के सामने मेहमान मार दूं? बता, जैसा कहेगा कर लेंगे पुत, जैसा कहेगा कर लेंगे। लेकिन पुत, फिल्म तो सुपर डुपर हिट है, लेकिन नेक्स्ट टाइम कभी भी नकली चाचा मामा ताया कुछ भी चाहिए, पुआ को याद करना है। मैं एकदम याद करूंगा। हाँ, लेकिन एक मिनट, मजाक की बात बहुत होगी राजू। पट भी नहीं पतले पतले, पेट भी नहीं, क्या हाल बना रखा मुंबई आके, ना सुखा हो गया, कुछ देसी वैसी की हो खाया कर। देसी घी ना? हाँ। अब लेके आओ ना हरियाणा से। आए, मेरे बच्चे ने कहा और पुआ लाएगी नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि मुंबई में घी नहीं मिलता? ये देखो, मुश्किल से मिलता है। अपने राजू के लिए शुद्ध देसी घी का डब्बा लेके आई हूँ। वाओ, पता है मुझे पुआ का मजाक उड़ाएगा कि पुआ खाली डब्बा लेके आई। बस बस बस, इसके पीछे राजू एड्रेस लिखा है, कहाँ से मिल रहा है? यहाँ से। यहाँ से राजू मिलना है शुद्ध देसी घी, और जाके कम्मो बुआ का नाम ले देना है, उन्होंने डिस्काउंट भी कर देना है, ठीक है? दे दे डब्बा पुत, मैंने और भी लोगों को देना होता है। चल पुत, मैं चलती हूँ, तेरे फूफा को ना डॉक्टर के पास लेके जाना है। क्या हुआ उनको? उनको कुछ नहीं हुआ। तो फिर मतलब मुझे डॉक्टर अच्छा लगता है। तो फूफा को क्यों लेके जा रही है फिर? क्योंकि उसको गाड़ी चलानी आती है। मुझे आती नहीं ना। चल बुत, मैं चलती हूँ। ठीक है बाजी। आए नहीं मेरा बच्चा, आए आए बच्चा, आए। मम्मी को हेलो कही? हाँ, पापा को नहीं। और मेरे राज जी को पप्पी। अच्छा देसी की वजह कहाँ जाना। चल कप्पू पुत, बाल वापस करो, मलिंगा बाहर रो रहा है। जैसा कहेंगे कर लेंगे पुत, तेरा शो है, बता क्या बाल वापस करें, बता किसको दे। अच्छा, आप सबको पता है राजकुमार मेड इन चाइना में सूप बेच रहे थे, बरेली की बर्फी में साड़ियां बेच रहे थे। एक्टर तो ये कमाल के हैं, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। मान लो पाजी, आप ट्रेन में जा रहे हो,
अच्छा, और आपको कोई सामान बेचना है, मैं मंगवाता हूँ, सामान कहाँ है अभी? अच्छा, जो आपका मन करे। एक्सपर्ट हो गए। तो ये हमारे पास कुछ सामान है, शायरी की किताब है, दिल जलों की शायरी। हाँ, और कवर पे है सिद्धू पाजी। दर्द दर्दनाशक बाम है, ये चेन है, कंगी है, अच्छी इंग्लिश कैसे सीखें, नवाज भाई की फोटो है, देखो आप। बाप को, भाई को, दादा को 15 दिन में सिखाएगा तेरा पैजल। तो जो आपका मन करे आप बेच सकते हैं। मैं पहले यही शायरी बेच देता हूँ पहले। जी, ये सी बट हाँ, ऑफ कोर्स ताले वाले भी बेचते हैं ना। हाँ, मैं इधर से देख रही हूँ। अजी भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, एक सेकंड देखिए, ध्यान दीजिए जरा, दिल जलों की शायरी। अगर आप पर भी है इश्क का भूत सवार, डर रहे हैं करने में अपने प्यार का इजहार, हसीना अभी भी नहीं हो रहे तैयार, तो किस बात का कर रहे हैं आप इंतजार? अरे नहीं होगी आपकी माशूका किसी और के साथ फरार, सीख जाइए शायरी तेज तर्रार। कपिल पाजी की तरह लोग आपकी भी शायरियां झेलेंगे, सुंदर सुंदर लड़कियों के बच्चे आपकी गोद में खेलेंगे। ओनली ₹20, ओनली ₹20, ₹20, ₹20, भाई साहब ₹20 ले लीजिए, भाई साहब ले लीजिए, थैंक यू, मजा आ गया, मजा आ गया। ₹20 की इतनी सस्ती शायरी सिद्धू की? इन्होंने भी तो आगे से उठाई है। ये जी, ये जी हमारा एक दर्दनाशक बाम है, पेन जी ध्यान दीजिएगा। बहन जी आप ध्यान दीजिएगा, दर्दनाशक बाम है, आपकी उम्र में थोड़ा काम आएगा। अच्छा, देखिए सर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का दर्द, कंधे का दर्द, बीवी के दर्द को छोड़ के हर दर्द मिटाएगा ये बाम। जादूगर बाम है, आदमी लगाएगा दर्द गायब हो जाएगा। ये वही बाम है जिसने मुन्नी का दर्द गायब किया, शीला को उसकी जवानी लौटा दी। दर्द खत्म हो जाएगा लेकिन ये बाम नहीं खत्म होगा, जितना यूज करेंगे उतना बढ़ता जाएगा, बाम का असली जादू है अपना। और अगर बाम खत्म हो जाए तो कोई बात नहीं, डिब्बे में चूरन भर ले, डिब्बे में गोली भर ले, नहीं तो हम जो है शिजालीत भी लाए हैं वो भी भर ले। तो ये 20 के दो है, 15 का एक है, 20 के दो है, 15 का एक है, बहन जी आपको दे दूं एक? नहीं, क्या बात है, सुपर सुपर भाई, क्या बात है यार, वाह वाह, जोरदार ताली एक बार राजकुमार भाई के लिए, क्या बात है भाई, एक करियर ऑप्शन है मेरे पास, मतलब हमारे स्टार से क्या क्या काम करवाते हो तुम लोग, मुझे मजा आ रहा था यार। है? This could be another character, na, for another movie of yours. हाँ, yeah. है ना? बहुत मजा आ रहा था तुमको देखकर, तुम लोग really you were into it, you know, totally. हाँ, acting का काम मिलता है तो मजा आता है। पर ये बहुत देखे होंगे ना बाजी, बसों में दिल्ली में भी लोग आते हैं ना? Of course, बेचने में हम लोग दिल्ली के बसों में जो अपने कंडक्टर C1 C2 डेस्क टॉप अपनी धड़को हमारे कल मुझे लास्ट में लास्ट कर आ जाना अकेला 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 बीटीसी बस। मैं जो है बस से बहुत ट्रैवल करता था तो गुड़गांव, मतलब समझ आएगा ना, बस पे बड़ा बड़ा लिखा है गुड़गांव, फिर भी गुड़गांव बोली ना कोई, हमारे भी अमृतसर में बोलते ना पंजाबी में, चढ़ा खासा चीचा पकड़ा, बाघा बॉर्डर टारी, ₹2 सवारी, ₹2 सवारी, ये ऐसे बोलते थे। वो याद है कहीं ना कहीं, है ना, श्याडा खासा चीचा पकना बाघा बॉर्डर, मतलब अटारी। अच्छा। उसके बाद पाकिस्तान शुरू हो जाता है, जगहों के नाम बोल रहा है वो। हाँ। तो तू पहले कंडक्टर था वहां पर? इसको कहते हैं आंखें दिमाग खुली रखना और आसपास जो चीजें हो रही हैं उनको देखना। अच्छा। हाँ। I love you, Kapil. ऐसे तो आप भी झाड़ फूक करने वाली लग रही हैं आज। और मैं एक किस्सा शेयर करना चाहूंगा जो मैंने आई थिंक आपको आज तक नहीं बताया है। क्या? तो मैं बचपन में बिल्कुल नहीं डरता था। अच्छा। मुझे आप किसी भी ना बचपन में अंधेरे में, अरे नहीं नहीं डर लगता है, मैं कभी नहीं डरता था। अच्छा। मुझे आप कहीं भेज दो किसी अंधेरे में, पुरानी हवेली में। हाँ। फिर एक हॉरर शो आया, कौन सा? दूसरे चैनल का था, उसका पहला एपिसोड में अर्चना मैम थी, मुंडी वाला, मुंडी वाला, प्लेट में मुंडी और कबर कैसे बजना, और मैंने वो देख लिया अकेले ये सोच के कि मुझे तो डर नहीं लगता है। कपिल सर वो दिन है और आज का दिन है। हाँ। मैं नहीं जाता अंधेरे में अब। आपने जो डराया ना मुझे, I'm so sorry. बहुत डराया आपने, आपने जो मुंडी घुमाई ना प्लेट में ऐसे, मुझे आज तक वो विजुअल मतलब बसे हुए मेरे दिमाग में। एक्चुअली वो पता है वो फोटो अभी भी घूम रही है सोशल मीडिया पे,
बट वाकई में बहुत सारे लोग मेरे फैंस जब कमेंट करते हैं कि हम बचपन में हमने देखा और हम बहुत डरने लगे, तो मुझे इतना बुरा लगता था कि ये सारे, बट आई डोंट नो देम, बट आज तो तुम्हें जानती हो और तुम बोल रहे हो कि तुम डर रहे हो। सच है तो आप सबको 10-10 लाख रुपए दे खत्म करो ना। शो करके कमाया नहीं जितना तुम बोल रहे हो। मैं तभी तो ये बोल रहा है, ओ स्त्री का लाना। हाँ, कॉन्स्टेंटली। तो कुछ अफवाहें हैं जो उड़ती रहती हैं मार्केट में स्टार्स के बारे में, तुम्हारी तक ही पहुंचती हैं? 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 ये अफवाहें? हम घूमते रहते हैं ना मार्केट में। तो राजकुमार, अफवाह है कि राजकुमार में आपने डबल एम इसलिए लगाया क्योंकि आपको विश्वास है कि डबल एम लगाने से मनी भी डबल आता है। अच्छा, मुझे नहीं पता था, सीरियसली आपने दो डबल एम लगाया? हाँ, डबल एम है, राजकुमार राव। सिर्फ फिल्म जो क्रेडिट से मेरे उसमें डबल एम है। कब लगाया? Okay, बाकी काफी टाइम हो गया। मनी डबल आया उसके बाद? हाँ, आ ही गया मतलब। कृति, आपके बारे में एक अफवाह है कि हाउसफुल 4 के बाद किसी ने आपको एक लेटर भेजा कि पिछले जन्म में आप मेरी पत्नी थी और मेरे 8 बच्चों की माँ थी। हे भगवान, मुझे सब याद आ गया है, इसलिए मेरे पास वापस आ जाओ। 8 बच्चे मेरे अंदर से निकले होते तो मैं यहाँ नहीं होती। राजकुमार, आपने अपना करियर एज ए डांसर स्टार्ट किया था, तो अफवाह है कि कभी कभी स्ट्रगल के दिनों में पैसों के लिए कई बार आप लड़की बन के भी डांस किया करते थे, ये अफवाह है कि सच है? हाँ, ये तो सच है। हैं? सीरियसली? अरे नहीं। पर आप डांस करते थे पहले? मैंने लूडो में लड़की बन के डांस किया है, पर हाँ, जब मैं डांस करते थे हम लोग, तो अगर कभी लड़की नहीं आती थी को पार्टनर, जो किसी की पार्टनर थी, तो मैं बन जाता था, क्या है इसमें। हाँ, एक्चुअली राजकुमार, एक अफवाह है कि स्टार्टिंग में आपको अपनी एक्टिंग पे भरोसा नहीं था, इसलिए आपने ताइक्वांडो सीखा ताकि मारपीट से काम चला सके। पर आपने ताइक्वांडो सीखा भाजी? हाँ, मैंने 9-10 साल ताइक्वांडो किया, मार्शल आर्ट्स किया। कभी मौका नहीं मिला, अभी कैसे न्यूटन बन के मैं पंकज त्रिपाठी को वैसे किक्स मार रहा हूँ तो अजीब लगेगा। पर राजकुमार, अभी कितने साल हुए होंगे भाजी इंडस्ट्री में आपको? 10 साल। 10 साल, और 10 साल में और इतनी सारी तैयारी करके आए, ताइक्वांडो ये वो, अर्चना जी को कितने हो गए? एक भी चीज नहीं, मतलब आपने आई मीन कोई भी चीज छोड़ी नहीं, सब सीखी आपने? सबसे बड़ा टैलेंट मेरे में है, बिना कुछ किए मैं 40 साल इस इंडस्ट्री में हूँ, है ना? क्या बात है। अर्चना जी प्लेट में रख के मुंह घुमा सकती है, आप घुमा सकते हो? देखा मेरे कितने टैलेंट है यार। ये भी उन्होंने एक्सपीरियंस बताना था इसलिए 40 बोले। कल मैंने पूछा आपकी एज क्या, 32। यू आर सो ब्यूटीफुल, ऑलवेज योर फैन। इसी के साथ ही हमारी अफवाहें समाप्त होती है। अच्छा, जैसे आप सबको पता है कि हम दो हमारे दो में राजकुमार अपने लिए माँ बाप ढूंढ रहे हैं ताकि जो है अपना घर बसा सके, लड़कियों की ऐसी डिमांड है। बहुत बार ऐसा होता है, हम स्कूल कॉलेज में भी कभी कभी नकली रिश्तेदार बना के ले जाते हैं। तो आप भाई बंधुओं में से अगर किसी का कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ अपना किस्सा शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। हाय एवरीवन, हेलो, मेरा नाम मोंटी है। मेरे साथ भी एक किस्सा हुआ। एक मैं किराने वाली आंटी को मम्मी बना के लेके गया था। किराने वाली आंटी को मम्मी क्यों बनाया? आपको अच्छी लगती थी, आपके पापा को अच्छी लगती थी? अच्छी नहीं लगती थी सर, मैं घर पे बताता तो मेरे को घर वाले मारते। हाँ, तो 10th क्लास में क्या था सर, हमारे फ्रेंड्स लोगों ने एक टूर ऑर्गेनाइज किया कि हम ऋषिकेश राफ्टिंग करने जाएंगे। अच्छा, तो हम राफ्टिंग करने के लिए गए 4 दिन के लिए, और राफ्टिंग करते करते हमारा 7 दिन निकल गया घूमते घूमते। तो स्कूल में आए तो पता चला कि नाम ही कट गया है। अच्छा, तो नाम कटा तो फिर मैं आंटी को बोला कि आप आंटी मेरे साथ चलो, ऐसे ऐसे किस्सा हो गया है। तो आंटी बोली कि मैं चलती हूँ। मैं बोला कि 1-2 मुक्के भी मार देना मुझे सर के सामने। तो वहाँ पे जाके पता चला तो आंटी ने इतना मारा मुझे, इतना तो मेरी मम्मी ने भी नहीं मारा। आंटी ओवर एक्टर होगी ना। तो आप क्या करते हैं सर? आप अभी मैं MBA कर रहा हूँ सर। MBA कर रहे हैं? यस सर। ठीक चल रहा है कि उधर भी लेके जाते हो किसी को? अब तो ठीक चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त मित्र? जी मैडम। नमस्ते कपिल। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? हाय कृति। हाय राजकुमार। हाय मैम। हेलो मैम। मेरा नाम कल्पना है, मैं मुंबई से ही हूँ। स्वागत है। और एक बार मेरे साथ ऐसे हुआ था कि जब हॉस्टल में थे तो हमको बाइक राइड जाना था दोस्तों के साथ, और डीन मैम बहुत स्ट्रिक्ट थी तो उनसे परमिशन लेनी थी। लड़कियां बाइक चला रही थी? हाँ। अच्छा, तो मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया और उनको रिक्वेस्ट की कि आप मेरे छोटे चाचा बन जाइए।
डीन मैम के पास आ जाइए, चाचा बन जाइए और उनको बोलिए कि मैं इनके छोटे चाचा हूँ और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने के लिए आया हूँ करके। अच्छा, तो वो बोले कि मेरे पास कुछ टाइम वगैरह है नहीं अभी, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने दूसरे दोस्त को फ़ोन किया और दूसरा दोस्त तुरंत तैयार हो गया, तो फटाफट से वो आ गया, मैं चली गई बाइक राइड पे। उसके बाद क्या हुआ, जो पहले भाई साहब थे उनको टाइम मिल गया तो वो पहुंच गया हॉस्टल। अच्छा, और वो उन्होंने बताया डीन मैम को कि मैं कल्पना का जो चाचा हूँ, छोटा चाचा हूँ और बड़े चाचा बहुत बीमार है तो मैं उनको लेने आया हूँ। ये सब बात हो गई, हम लोग बस मज़ा करके दूसरे दिन वापस आए। तो तब तक जब मैं हॉस्टल में वापस आई तो मेरे एकदम शॉक हो गई कि मेरे पापा और जो मेरे बड़े चाचा बीमार थे वो सामने खड़े थे। मुझे इतनी डांट पड़ी कि तब से मैं कभी झूठ नहीं बोली पापा को बाहर जाने के लिए। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। कौन किसकी बात कर रहे हैं? आलू ले लो, बैंगन ले लो, टमाटर ले लो। नकली धर्म जी, आप सब्जियां बेच रहे हो? अरे यहाँ पर लोग अपना ईमान बेच देते हैं, मैं तो फिर भी सब्जियां बेच रहा हूँ। देखो आलू 20 रुपया पाओ, पालक 40 रुपया पाओ, गोभी 18 रुपया पाओ, मैं 1 से 15 रुपए का बेच रहा हूँ, इतना सस्ता कहीं मिलेगा नहीं। अब कौन लेगा 12 में? और बेटा कपिल, ये क्या है, पाव कितने रुपए पाव है? पाव लागू बेटा। वाह वाह, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। नमस्ते भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी, ब्यूटीफुल। नमस्ते, आप लोगों के लिए भी हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं डाइट वाली। क्या? अवोकाडो, अवोकाडो कीवी, एप्रिकॉट, किनुआ, निरहुआ, क्या चाहिए बताइए? निरहुआ, निरहुआ कौन सा फ्रूट होता है? ये एक भोजपुरी फ्रूट है, यूपी में पाया जाता है। राजकुमार जी नमस्ते। 2.5 किलो। रोहिणी जी नमस्ते। नमस्ते। बाबा ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं बाबा? मैंने आपको सब्जी लाने के लिए भेजा था, आप पूरा का पूरा ठेला ले आए हैं। अरे तो उसके पास थैला नहीं था तो मैं ठेला ले आया, क्या हो गया उसको? सब्जी वाले ने कुछ कहा नहीं आपसे? नहीं, कुछ नहीं बोला वो। है? हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? पता नहीं, सब्जी वाले ने कुछ अब मैं समझ गया कि सब्जी वाले ने आपसे कुछ क्यों नहीं कहा। क्या करते हैं आप पापा, ये कोई तरीका हुआ बेचारा? भैया जी हमारा ठेला वापस करिए। अच्छा, तो मैं सब्जियां कहाँ रखूंगा फिर? पापा वो सिर्फ ठेला नहीं मांग रहा है, सब्जी के साथ मांग रहा है। अरे सब्जी के साथ लोग रोटी मांगते हैं, चावल मांगते हैं, ठेला कौन मांगता है? पापा ये कैसी बातें कर रहे हैं, गेस्ट बैठे हैं यहाँ पर। क्यों, वो भी ठेला लाए हैं क्या? वो फिल्म लाए हैं। किसकी? अपनी। तो ये कौन है, ये क्या कर रहा है यहाँ? पापा ये आपकी वजह से आया है। मेरी वजह से? और क्या। वाह बेटा वाह। आज ये लड़का मेरी वजह से यहाँ तक आया है, वाह। मेरा आशीर्वाद है बेटा तुझे। आशीर्वाद? पापा वो अपना ठेला लेने आया है। तो ठेला लेके जाना, क्या लगा रखा है इतनी देर से तूने? जा मेरा आशीर्वाद वापस दो, हट। पापा इनकी फिल्म आ रही है, मुबारकबाद तो दीजिए। अरे क्यों नहीं, बहुत बहुत मुबारक हो, इनकी फिल्म आ रही है तुम दो तुम्हारे दो। अरे नहीं नहीं पापा, हम दो हमारे दो। तो उनकी आ रही है तो हमारे दो कहाँ से होंगे? उनके ही होंगे ना, अब इनकी फिल्म भी हड़प ले तू। बात कर रहा है यार बेटा। बहुत अच्छा लगा मुझे बेटे, आपकी जो फिल्म है मैंने देखी, बहुत जल्दी खत्म हो गई थी यार। पापा वो ट्रेलर था।
टेलर तो ये स्त्री में थे। पापा वो दूसरी फिल्म है। दूसरी कहाँ, इनकी 26वीं फिल्म है वो। क्या बात कर रहा है, इससे पहले 25 फिल्में कर चुके हैं वो। पापा मेरे कहने का मतलब है वो अलग फिल्म है। सबसे पहले तू डिसाइड कर ले वो अलग फिल्म थी कि दूसरी फिल्म थी। डिस्टर्ब किया जा रहा है, इतनी बढ़िया बढ़िया फिल्में की हैं आप दोनों ने। ऑलराउंडर हैं ये लोग, ऑलराउंडर। ऑलराउंडर मतलब? हाँ, अरे इनकी फिल्में लोग देख भी सकते हैं बेटा और खेल भी सकते हैं। आ? खेल भी? ये क्या बात हुई पापा? इनकी जैसे वो आई थी लूडो, लूडो देख भी सकते हैं खेल भी सकते हैं। तो है। फिर आपकी आई थी लुका छुपी, है वो देख भी सकते हैं खेल भी सकते हैं। फिर वो फिल्म थी बरेली की बर्फी, वो कैसे खेल सकते हैं पापा, सारा दिन खेलता ही रहेगा क्या, पेलेगा नहीं कभी। वैसे मुझे भी बड़ी बड़ी फिल्मों के ऑफर आते हैं जी। ये जैसे आपकी छलांग थी, वो पहले मेरे पास आए थे। अच्छा। मैंने कहा रहने दो यार, ये ऑडियंस जो है शर्मा जाएगी। क्यों बाबा? अरे क्योंकि जब मैं छलांग लगाता हूँ ना, स्कर्ट ऐसे ऊपर हो जाती है मेरे को, मैं शर्म आती है मुझे। वैसे राजकुमार जी, मैंने आपकी व्हाइट टाइगर देखी लेकिन उसमें कोई टाइगर नहीं था। फिर मैंने आपकी न्यूटन देखी, उसमें भी पेड़ से कोई एप्पल गिरा ही नहीं। ये कैसा सियासी खेल खेल रहे हैं आप हमारे साथ? तुमको क्या कह रहा है तू, हैं? तेरी भी तो जीत आई थी, उसमें का कोई मैच हुआ था तो तू जीत गया। फिर तेरी इम्तिहान आई थी, तूने क्या स्कूल में जाके इम्तिहान दिया था, हैं? जब कर्ज की थी तो क्या लोन लिया था तूने? उनकी कितनी बढ़िया बढ़िया फिल्म है यार, ये भी कितनी कमाल की है, मैंने ट्रेलर देखा। इसमें आप अपने बाप ढूंढ रहे हैं जी। तूने कभी अपने बाप को ढूंढा? बाबा आप कभी खोए ही नहीं तो मैं कैसे ढूंढूं? अच्छा, तेरे ढूंढने के लिए अब मैं खो जाऊं? बस बाबा आप खो जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। और मैं आपको खोने दूं ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। अब खुद के डायलॉग खत्म हो गए ना, तो सुनील शेट्टी के बोलना शुरू कर दिया। उसके भी सुना, अनुपम खेर के सुना? वो नहीं आते मुझे। बात करता। पापा ये सारी बातें तो होती रहेगी, आप बैठिए ना पापा। अब कृति जी आई है, हमारे रिश्ते की बात कीजिए ना। ओ गुड गॉड। ठीक है। ये है क्या था? बेटे जी, बहुत बढ़िया करियर की शुरुआत की आपने, भीरोपंती से मैंने देखा जो शुरुआत की, करियर कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फिल्में कर रहे हैं। थैंक यू। ये रिश्ते में मेरा बेटा है और रिश्ते में मैं उसका बाप हूँ। हो गए रिश्ते की बात? बाबा हमारे रिश्ते की नहीं, मेरे और इनके रिश्ते की बात कीजिए। अबे ऐसे कैसे करूंगी, लड़की सामने बैठी है, कुछ गिफ्ट लाना चाहिए था तेरे को। मैं लाया हूँ ना बाबा। क्या गिफ्ट लाया है? लाया हूँ। अरे वाह। कृति जी जी, मैं आपको पप्पी देना चाहता हूँ। नहीं नहीं नहीं, क्या बकवास कर रहा है तू? नहीं पापा, मैं पप्पी मतलब ये देखिए, ये वाला पप्पी, मैं आपके लिए पप्पी लेकर आया हूँ, ये देना चाहता हूँ। ब्लैक डॉग। ब्लैक डॉग। बेटा ये खुलता कहाँ से है? पापा ये कुत्ता है, पापा कुत्ता है ये। वही तो मैं कह रहा हूँ, खुलता कैसे, मतलब फ्रैंक कैसे होगा ये? मैं इसके साथ खेलना चाहता हूँ। अच्छा। वाओ। एक मिनट, वो मेरी बात सुनो। एक मिनट, ये चलते एक्ट में कौन मूछे लगाकर आ गया? अरे मैं बलवंत राय हूँ, अपने बेटे को समझाओ, बार बार मेरा कुत्ता लेके आ जाता है यार। अच्छा आप हैं बलवंत राय? हाँ। क्या बात है, मैंने तो सुना था हर कुत्ते के दिन आते हैं। हाँ। लेकिन कुत्ते के मालिक आते हैं, पहली बार देख रहा हूँ। शर्म नहीं आती तुझे जब देखो बलवंत राय का कुत्ता उठा के ले आता है? बाबा ये झूठ बोल रहे हैं, हर बार मैं बलवंत राय का कुत्ता नहीं लाता, मैं काफी वैरायटी है मेरे पास।
ये वाला कुत्ता इनका नहीं है, ये तेरी मेहरबानियां वाला कुत्ता है। हाँ ये देखिए मेरे पास हम आपके कौन वाला कुत्ता भी है, टफी। और भी वैरायटी है मेरे पास, ये वाला बलवंत राय का कुत्ता है, कलेक्शन है। वाह वाह वाह, ब्लैक ब्लैक साहब। पापा ये क्या कर रहे हैं आप, वो बलवंत राय कुत्ता आपके हाथ में है। वाह क्या बलवंत राय पाल के रखा है तूने, बहुत अच्छा। ख्याल रखो बेटा, इसको बांध के रखा करो, नहीं तो फिर ले आएगा वो किसी दिन, ठीक है? हाँ चलो। और राजकुमार जी चलता हूँ, अभी मेरे लेटने का वक्त हो गया है। एक मिनट पापा, ये कौन सा लेटना हुआ? वो मैं ऐसे अंगूठा डाल के लेटता हूँ ना, ऐसे करके। क्या हुआ, क्या बार बार गेट्स के सामने मुझे ऐसे तू करता रहता है? ठीक है पापा। खैर बेटे चल, अभी हमारे जाने का वक्त है। ब्लैक डॉग ले जाइए। हाँ जी ब्लैक डॉग बहुत जरूरी है वो पापा के लिए। आप लोग आए हमें बड़ी खुशी हुई, और आप लोग हमारे साथ डांस करना चाहते हैं। ऐसे नहीं बोलते हैं पापा। हाँ। बोलते हैं हम आपके साथ डांस करना चाहते हैं। हाँ तो वो कहते क्यों नहीं मुझे फिर? अरे पापा वो सेलिब्रिटी है, उनकी फिल्म आ रही है। वो सेलिब्रिटी का हम क्या चंगू मंगू है क्या? हम भी सेलिब्रिटी हैं, हमारी भी फिल्में आती हैं, हमारे कौन से बर्तन आते हैं। पर उनकी फिल्म आज आ रही है, अभी आ रही है। तो आज आ रही है, मेरी चल रही है सेट मैक्स पे, यमलू पगलू, अभी देख लेते। राजकुमार कीर्ति थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। इस फिल्म के लिए भी और आगे आने वाली फिल्मों के लिए भी आपको ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी बेस्ट विशेस, और आते रहिए बस। उसके लिए तो आते ही रहेंगे, आगे वाली फिल्मों के लिए मिलते ही रहेंगे। तो दोस्तों फेस्टिवल का मौसम है, इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि बाजार में भीड़ करने से बचें, मास्क लगाकर रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।